दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल दगीकी मॉक में। दोस्तों यहाँ पे भैया आज पोको X3 इंडिया में लॉन्च हो चुका है, प्राइस रिवीलिंग हो गई है, स्पेक्स रिवीलिंग हो गई है और यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हैं कि भाई पोको X2 के साथ में जाए या फिर पोको X3। और हाँ भाई, हमने तो आप लोग से बोला था कि हम पोको X3 पहले इम्पोर्ट कर लेंगे, तो भाई हमने इम्पोर्ट क्यों नहीं किया? तो गाइज मैंने आपको पहले भी अपने जो मैंने इंस्टा पे लाइव स्ट्रीम की थी उस पर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पे पोको X3 में भाई बैटरी जो है कुछ अलग आने वाली है, मैं इसीलिए इम्पोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये मुझे पहले ही पता चल चुका था बैटरी के ना बारे में, तो मुझे लगा कि जब भाई बैटरी अलग है तो इंडिया में भी फिर आएगा और उतना ज्यादा समय भी नहीं था, तो भाई इम्पोर्ट तो कर लेता लेकिन फिर बैटरी वाला इश्यू जो पड़ जाता है, इसीलिए मैंने उसको इम्पोर्ट नहीं किया। तो चलिए ये सब बकवास साइड में रखते हैं, अभी बात करते हैं कि भैया पोको X3 जो कि इंडिया में आया है NFC को हटा करके और जिस प्राइस पे आया है वो कैसा है, यहाँ पे उसके साथ में जाएं या फिर लॉन्ग रन के लिए पोको X2 या फिर कोई और डिवाइस ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली आज हम लोग ना उसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और बेसिकली इस फोन के साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो फिर गाइस यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं भैया पोको X3 के स्पेक्स क्या है, खासकर ना डिस्प्ले के ना मामले में। डिस्प्ले के मामले में भैया इसके अंदर 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिलती है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है जो कि आपको ये वाले पोको में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे, कुछ अलग सा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट को बढ़ा दिया गया है गाइज, यहाँ पे इन्होंने जो टच सैम्पलिंग रेट कर दिया गया है वो स्क्रीन के रिफ्रेश रेट से जस्ट डबल 240 हर्ट्ज का। तो भाई यहाँ पे गेमर्स के लिए कुछ अच्छी बात होने वाली है। इसके साथ साथ में भाई यहाँ पे HDR10 को भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन गाइज यहाँ पे काफी सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर प्लास्टिक की बॉडी दी है, लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो ये पोको है ना, पोको का जो फ्रेम था ये भैया प्लास्टिक की बॉडी, प्लास्टिक के फ्रेम के साथ में था, बस बैक जो है ग्लास का था। ठीक है, लेकिन जो पोको X3 ने क्या किया है कि उसने जो फ्रेम दिया है वो एल्यूमिनियम का दिया है, तो मतलब ज्यादा स्टडी है, और बैक उसने प्लास्टिक का दिया है। बस भाई यही चीज है कि उसमें स्क्रैचेस लगेंगे, लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में बात करेंगे तो भाई ये वाले फोन से ज्यादा बेटर वो वाला फोन होगा, क्योंकि गिरने पे जल्दी वो शैटर नहीं होगा, बिकॉज ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ऑलवेज ब्रेक, बट प्लास्टिक विल नॉट ब्रेक, रादर इट विल गेट स्क्रैचेस। ठीक, तो ये चीज है, लेकिन गाइज यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ये वॉटर रिपेलेंट था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने IP 53 की स्प्लैश प्रूफ की रेटिंग भी दे दिया है। जो IP 53 का मतलब है कि मतलब थोड़े बहुत छिट्टे विट्टे पड़ेंगे, पानी वानी बारिश वारिश में पड़ेगा तो उतना ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भाई इसको पानी में डुबो करके टेस्ट मत करना, पोको X3 की बात करो, पोको X2 तो भैया वैसे भी कोई भी IP रेटिंग के साथ में नहीं आता है। ठीक, और इसके अलावा जितने भी ना फोन है उनमें भी भाई कोई आपको देखने को नहीं मिलता जिस प्राइस में ये आ रहा है उस प्राइस में, किसी और फोन में आपको ऐसा कोई IP रेटिंग का सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे बात आ जाती है कैमरास की। तो गाइस यहाँ पे आप देख जो सकते, ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट में अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो भाई यहाँ पे जो मेन कैमरा है ये जो है ये है पोको का, पोको X2 का, और ये जो है ये है पोको X3 का। तो आप क्लियरली देख आप सकते हैं कैमरा में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इनके अल्ट्रा वाइड सेंसर्स के, जो कि पोको X3 में 13 मेगापिक्सल का दिया हुआ है और पोको X2 में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। और फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा चेंजेस है फ्रंट कैमरा में, और हाँ आपको मैं बता दूं दोनों में ही 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर दिया हुआ है वो भाई सोनी का ही सेंसर है, और जो प्रोसेसर है उसमें ISP भी सेम है। तो अगर ये ऑप्टिमाइज सेम तरीके से करेंगे तो भाई आपको परफॉर्मेंस भी सेम ही देखने को मिलेगी। बस यही है पोको X3 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अलग अलग इन्होंने ऐड कर दिए हैं, जैसे कोई यार जैसे ना रियलमी वालों ने स्टारी मोड किया था वैसे इन्होंने कोई नियॉन मोड है नाइट वगैरह में क्लिक करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो भैया पोको X2 में आपको 20+2 मेगापिक्सल आता था, पर पोको X3 में इन्होंने दिया है 20 मेगापिक्सल का। तो भाई जो 2 मेगापिक्सल का इसमें जो डेप्थ सेंसर है ना, ये भाई वीडियो में तो भाई ये लाइव बैकग्राउंड ब्लर तो देता नहीं है तो उतना कोई मतलब नहीं है, तो वो 20 मेगापिक्सल भी काम करेगा आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, बहुत ज्यादा डाउट है गाइस, तो भाई आज इस वीडियो में पूरे डाउट मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर। आपको पता है कि पोको X3 में आता है स्नैपड्रैगन 732G, जी हाँ जी लगाना जरूरी बिकॉज वो 732G है। इसके बाद गाइज यहाँ पे इसमें 730G, हाँ जी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। अच्छा दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिफरेंस है क्या है क्या है क्या, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने ये स्पेसिफिक यहाँ पे हमने ना निकाला, देखिए मैंने आपको बताया था कि केवल GPU यहाँ पे ओवरक्लॉक्ड है, लेकिन इसके साथ ही साथ में यहाँ पे जो CPU है ना वो भी ओवरक्लॉक्ड है। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस यही है कि भाई सेम कोर्स यूज हुए हैं,
कॉर्टेक्स A76 के परफॉर्मेंस कोर्स है, क्रायो 470 वाला ही यूज हुआ है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका स्नैपड्रैगन 732G वाला जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, और ये देखिए ये स्नैपड्रैगन 730G है और ये 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है। ठीक है, ये तो चीज हो गई इनके प्रोसेसर की बात। लेकिन गाइज यहाँ पे कुछ बेंचमार्क भी तो हो जाए भाई, अब सूखे सूखे ऐसे थोड़ी आपको जाने दूंगा। तो भाई देखिए यहाँ पे अभी जब भी फोन आएगा तो वी विल बी परचेजिंग आउट और हम तब इसको वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे टेस्ट के रिजल्ट है 730G और 732G वाले प्रोसेसर के बीच में, ये आपके सामने है। ये Geekbench 5 का सिंगल कोर स्कोर है जहाँ पे ये 580 स्कोर करता है और 730G यानी कि Poco X2 स्कोर करता है 550। तो आप देख जो इतना सकते हैं Geekbench का मल्टीकोर स्कोर में भी आप देख जो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस Antutu बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो Antutu बेंचमार्क में यहाँ पे 13% परफॉर्मेंस का बूस्ट देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G में। लेकिन एक्चुअल में गाइस यहाँ पे जो रियल लाइफ सिनेरियो है ना उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं जो मिलेगा। बस यही बात ये है कि GPU थोड़ा सा बेहतर किया है तो इसलिए गेमिंग में हल्का सा यहाँ पे आपको बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई प्रोसेसर की बात। अब इन शॉर्ट में बात आ जाते हैं बैटरी की। तो भाई देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को जरा बात कराता हूँ बैटरी की। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको पोको X2 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पे ये लोग क्लेम करते हैं कि 68 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पोको X3 है उसके अंदर गाइस यहाँ पे अगर मैं नीचे जाके आपको दिखाऊं तो कहाँ गया बैटरी 6000 mAh का बैटरा मिलता है और ये बैटरा जो है बहुत ही तगड़ा है, बिकॉज 33 वॉट का यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है और ये क्लेम करते हैं कि बहुत ही जल्दी चार्ज कर देता है। लेकिन गाइस यहाँ पे विंस ने जो कि ग्लोबल वाला वर्जन है मेरे दोस्त ने उसको जो यहाँ पे चार्जिंग किया था तो भैया उसने 1 hour 15 minutes के आसपास में लिया था। तो ये 6 ग्लोबल वाले वर्जन में 5100 कुछ एमएएच की बैटरी है, मतलब 5100 mAh बैटरी है, वो लमसम में सवा घंटा लेता है, मतलब 1 hour 15 minutes लेता है। तो ये 6000 mAh की बैटरी 1.5 घंटा तो ले लेगी क्यों, तो लमसम में ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैटरी में भी। तो अब बात आ जाती है भैया प्राइसिंग की। तो भाई प्राइसिंग की बात तो ऐसी है कि यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग दी है निकाल और इस प्राइसिंग के बाद में देखिए जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला ये मिल रहा है 16999 रुपए में। यहाँ पे भैया जो इसकी सेल है भैया 29 तारीख को है 12 बजे की, तो लेंगे हम इसको, उसके बाद रिव्यू करेंगे और पबजी टेस्ट भी हम करवाएंगे विंस से, बिकॉज विंस ऑलरेडी हैज दिस पर्टिकुलर फोन। तो यस पबजी टेस्ट आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बाकी सारे भी फोन से पबजी टेस्ट आ रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है भाई, जो लोग गाली देने से पहले आप लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जो रखी है वो जाकर के एक बार आप देख लो, उसके बाद समझ में आएगा कि जो पबजी है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हम चलते हुए यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं और इंडिया में नहीं प्ले की जो करके कहीं बाहर से प्ले होकर के वो आ रहा है केवल आप लोगों के लिए। तो गाइस आई होप ये वीडियो पसंद आई। और हाँ रियलमी X3 का रियलमी 7 Pro का चैनल पे चल रहा है गिव अवे जिसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वाला रिजल्ट निकाला था Poco M2 Pro का उसके बारे में मुझे आपसे कुछ डिटेल में बात करनी जो विनर है उनके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस आज की वीडियो के लिए इतना था। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। तो भाई लाइक देना, कमेंट करना और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर ही देना।